इंदौर में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सेवा मिशन की इंदौर इकाई ने बच्चों को भोजन कराया और आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। सेवा मिशन की महिला प्रभारी उमा सक्सेना ने अपने जन्मदिन पर संस्थान के संस्थापक आशीष गौतम के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान मेहमानों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में सेवा मिशन के संयोजक अनिल वर्मा, पार्षद सुरेश कुरवाड़े और समाजसेवी संजीव सक्सेना मौजूद रहे। बता दें कि हरिद्वार से संचालित दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तहत आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस पर आज यहाँ आंगनवाड़ी के जो बच्चे थे उनको भोजन प्रसादी करवाई जा रही है और यहाँ पर आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान किया गया है। यहाँ पे प्रेम सेवा मिशन द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर आयोजित एक भव्य और अच्छा शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी के बच्चों और उनके जो सहायिका और शिक्षिका उनका भी सम्मान किया गया और एक यहाँ हरिकृष्ण धाम में जो गार्डन था काफी दिनों से लंबित था वो तो माननीय महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी के द्वारा माननीय लोक मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी विशेष अतिथि के रूप में हमारे यहाँ आए थे माननीय विधायक रमेश मिंदल उनके निर्देश पर आज यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सभी परिचित हैं और उनके विचारों से हम सब प्रभावित भी हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी को तो नहीं देखा लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी छवि डॉक्टर आशीष गौतम भैया जी जैसी ही रही होगी, जिनके लिए नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो सही मायनों में स्वामी विवेकानंद जी के भक्त हैं। हर किसी के लिए उसका जन्मदिन एक खास दिन होता है। दोस्तों के साथ पार्टी करने की भी एक अलग खुशी है, लेकिन जो खुशी मुझे आज इन 500 बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर जो संतुष्टि मिली है उसकी मैं शब्दों में नहीं कह सकती। और उसके बाद मुझे सभी बड़ों का आशीर्वाद और आप सबकी दुआ मिली है, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत